आते रहते, विशाल जी पुणे से हैं, उनका प्रश्न आया है कि महाराज जी भक्त और अनन्य भक्त के अंदर अंतर क्या होता है। देखिएगा, जब हम किन्हीं संप्रदाय के गुरु से किन्हीं देवता का एक मंत्र प्राप्त करते हैं, और मंत्र प्राप्त करने के बाद हम उन देवता के भक्त बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो उसके बाद उस मंत्र को करते हुए उनकी जब प्राप्ति करी जाती है तो वह साधक भक्त बन जाता है। इसी की चर्चा जब करी गई है, श्रीमन महाप्रभु वैष्णव के परिभाषा बोलते हैं तो कहते हैं जिसने जीवन में एक बार हरि का नाम लिया है, हाँ, वह वैष्णव है। तो ठीक, वैष्णव मतलब श्री कृष्ण का भक्त, सो यह भक्त है। दूसरा है अनन्य भक्त। मानस जी के अंदर भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए, हनुमान जी से कहते हैं, जो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक स चराचर रूप स्वामी भगवंत। कि हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं दास हूँ, और इस चराचर के अणु अणु के अंदर वह अपने प्रभु के दर्शन करता रहता है, अपने भगवान के ही दर्शन करता है। हनुमान अनन्य भक्त हैं। जब वह रावण से मिले ना, तो रावण के अंदर भी प्रभु राम को का ध्यान करते हुए उन्होंने कहीं भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करा रावण के लिए, परंतु उसके उलट, उसके दूसरी तरफ जब रावण बात कर रहा है, वह तो है तो शिव का भक्त, परंतु जब वह बात कर रहा है हनुमान से, तो वह उनको वानर, शठ आदि कहकर, बंदर आदि कहकर, हाँ, इन सब शब्दों से संबोधित कर रहा है। तो एक तरफ तो वह भक्त के रूप में रावण अपने आप को दिखाते हुए, कपि हनुमान के अंदर वह कहीं भी अपने शिव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, परंतु दूसरी तरफ वही हनुमान अनन्य भक्त बन जाने के बाद ठाकुर के दर्शन उस रावण के अंदर भी कर रहे हैं, अपने सियाराम के दर्शन उसके अंदर भी कर रहे हैं। सो ठीक वैसे ही अनन्य बनना है। देखिए, अनन्य बनना ये रसिकों की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि एक बार ये कृपा आ गई, उसके बाद फिर आप एक ही रूप में लग जाएंगे। ये रूप बड़े ज़रूरी हैं जीवन के अंदर आना, कि आपको एक रूप प्राप्त हो जाए। वह रूप जैसे ही आपको प्राप्त हो गया, इसके बाद आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप बनिए तो राम के बनिए, बनिए तो कृष्ण के बनिए। अब कृष्ण की भी इस वृंदावन के अंदर तीन लीलाएँ हैं, एक है वात्सल्य की लीला, दूसरी है सख्य की लीला, और तीसरी है श्रृंगार की लीला। इन तीनों के अंदर भी रूप अलग अलग हैं। आपको कौन सा वाला रूप अच्छा लगता है? कुरुक्षेत्र का अच्छा लगता है, द्वारकाधीश का अच्छा लगता है, रास रासेश्वर का अच्छा लगता है, कौन सा रूप आपको अच्छा लगता है? उस रूप की साधना आप जब करेंगे, तो आप फिर धीरे धीरे आपकी वह भक्ति और उन्हीं प्रभु के दर्शन आप अणु अणु मात्र के अंदर, कण कण के अंदर करना शुरू कर देंगे। हाँ, जैसे तुलसीदास कहते थे कि भगवान सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कि ठाकुर जी, अब मैं कहाँ जाके आपको प्रणाम करूँ, आप तो अणु मात्र में, हर अणु में आपके दर्शन कर रहा हूँ। तो वह अनन्यता, वह आपको प्राप्त हो, वह प्राप्त हो गई, तो फिर ठाकुर आपसे दूर नहीं है। यह अनन्यता जो है चातक के अंदर होती है, और तुलसीदास ने उसको नमन करा है उसकी इस भावना को। वह चातक जो है ना, वह जीवन भर वर्षा के ही बूंद का, उस बिंदु का प्यासा होता है, और उसी से ही प्यास बुझाता है। गंगा सामने भी हो जाए तो उसके बाद भी गंगा में जाके वहाँ से जल नहीं पीता है। एक उस कथा का भी वर्णन करा है कि कैसे महाराज एक चातक पक्षी बैठा हुआ था, और कोई वहाँ शिकारी आया और उसने मार दिया,
जब शिकारी ने मार दिया तो मारने के बाद वह चातक नीचे गंगा जी थी, बह रही थी, गंगा जी में गिरने लगा, तो उसने अपने सिर को ऊपर कर लिया और करने के बाद गंगा का जल उसके मुख में ना जाए उसने अपना मुख बंद कर लिया। उस पक्षी की मादा वहाँ पे बैठी हुई थी तो उसने पूछा कि तुम अपना मुख क्यों बंद कर रहे हो, ये तो गंगा है। बोले नहीं, मेरी अनन्यता जो है ना वह एकमात्र वर्षा की बूंदों में है, गंगा से मतलब नहीं है, मेरा तर्पण भी करना तो उसी वर्षा की बूंद से करना। सो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जीवन में चाहे कैसा भी हो, अगर आपने अपने प्रभु को, अपने उस रूप को, ठाकुर के उस रूप को कभी नहीं छोड़ा है और दूसरे किसी के पास आप नहीं गए हैं तो यह अनन्यता के अंदर आता है। और उस अनन्यता जब एकमात्र एक बार आ जाए ना तो वह हनुमान के सामने कृष्ण भी आ जाए तो कृष्ण को राम बनना पड़ता है। जामवंत के सामने 28 दिन तक कृष्ण पहुंचकर युद्ध करते रहे, उससे कुश्ती करते रहे, परंतु जब राम बन के उन्होंने दर्शन दिए ना तभी जामवंत ने माना कि हाँ ये मेरे प्रभु राम है। तो ये अनन्यता आ जाए, प्रभु आपके ठाकुर आपसे दूर नहीं है। तो यही भक्त और अनन्यता में बहुत बड़ा अंतर है। राधे राधे।